किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार होना चाहिए, और रिवीजन के लिए दो ही पॉइंट होते हैं। पहला होता है या तो खुद के शॉर्ट नोट बनाओ, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बना सकते, देन आपके लिए यहाँ पे कुछ हैंडबुक्स आती है। तो ये बेसिकली हैंडबुक में आपके जो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी कवर किए जाते हैं, और साथ साथ ही आपके जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है जो आपको काफ़ी बार आपके नोट्स में भी नहीं मिल पाता, वो चीज़ें आपको हैंडबुक्स में मिल जाती है जनरली। इसी वजह से हैंडबुक का भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। बीटेक के लिए हम बात करें तो मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है एक हैंडबुक का, कि कौन सी हैंडबुक अच्छी है। लेकिन आज की वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेशली जिनको हिंदी में चाहिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स या हिंदी में, तो उनके लिए क्या ऑप्शन बेहतर है वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक मार्केट में मैंने जितनी भी हैंडबुक देखी है, मुझे तीन हैंडबुक मिली है जो कि काफ़ी सही आती है। तो पहली है यहाँ पे एग्जाम बूस्टर, एक है यहाँ पे बेसिक ऑफ सिविल वाई राशिद खान सर, एक है यहाँ पे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की तरफ से आने वाली हैंडबुक। मैं इस वीडियो में जो यूथ वाली हैंडबुक और बेसिक ऑफ सिविल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप डिटेल में वहाँ पे देख सकते हो। इसमें भी मैं एक बार आपको एक कंपैरिजन दिखा दूंगा कि तीनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और किस में आपको क्या डाटा मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे हम एग्ज़ाम बूस्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे ये एक हैंडबुक आती है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा इसका साइज है। ये जनरली जो A4 साइज का फुल बुक होती है, उन ये सभी दोनों से आप कंपेरिजन देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी बड़ी है। और इसके साथ में आपको दो पॉकेट डिक्शनरी मिलती है सिविल कैप्सूल, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट इसमें है, कुछ सेकंड वॉल्यूम में है। और इसके साथ में ही आपको दो यहाँ पे चार्ट दिए जाते हैं जो कि फॉर्मूला चार्ट है अगेन, जिनको मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो एक कॉम्बिनेशन है सारी चीज़ों का। और जो सिविल बूस्टर हैंडबुक आती है इंग्लिश मीडियम वाली, ये उसी का एक तरह से हिंदी वर्जन है, लेकिन इसमें डाटा और भी ज़्यादा एड ऑन किया गया है, उससे भी ज़्यादा डाटा है, लगभग 1.5 गुना। और यहाँ पे मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या कितना मिल रहा है। पेजेस की बात की जाए तो 791, 791 पेजेस है यहाँ पे। और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको इंडेक्स देखते जाना, मैं आपको सैंपल भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहाँ पे आपको इन बुक्स के सभी के सैंपल भी मिल जाएंगे। क्योंकि आप बुक लेने से पहले अच्छे से एक बार सैंपल देखो, या हो सके तो दुकान पे जाके बुक देखो तीनों को अच्छे से, आपको जो अच्छी लगे वो आप लेना। पर और बाकी मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ कि आपके लिए क्या अच्छी चॉइस रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात की जाए तो 23 सब्जेक्ट यहाँ पे ली गई है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हैं, और 792 टोटल पेजेस है। स्टार्टिंग में यहाँ पे ये डाटा दिया गया है SSCJEE का, कि SSCJEE की कट ऑफ वगैरह, और इनके जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अपीयर कैंडिडेट्स, और सब्जेक्ट वाइज SSC का डाटा, जिसकी कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग इंडेक्स पेज के साथ दी गई है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फार्मूला दिए गए हैं, और कुछ कन्वर्जन है इंपॉर्टेंट जो आपको नॉर्मली काम आते हैं, ये जो डायमेंशन वगैरह, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें। ये बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए है, वो जिनको हिंदी में चाहिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स का है, कई कई जगह हिंदी ज़्यादा, कई जगह इंग्लिश ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये अलग फॉर्मूले भी है आपके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट होती है आपकी सॉइल सबसे पहले, और ये देखो आप सॉइल का किस तरह से, सॉइल का कंप्लीट सैंपल मैंने आपको भी ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, सॉइल और बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो दो सब्जेक्ट तो आप PDF वहाँ से देख सकते हो, और भी सब्जेक्ट मैं PDF बना के कुछ यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो देखो, डाटा ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बुक में नहीं दिखा सकता है एक ही वीडियो में, कि आपको एक एक पेज यहाँ पे दिखा दूँ। आप कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि किस तरह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। जितना मैंने इस बुक को देखा है, मैं इसको 2 दिन से मेरे पास है ये बुक, मैं कंटिन्यूसली इसको देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी गई है और क्या इसमें छोड़ा गया है कंटेंट। तो डाटा काफ़ी अच्छा दिया, इवन जो बाकी की जो दोनों हैंडबुक है उनसे भी यहाँ पे डाटा ज़्यादा दिया है इन्होंने। अगर आप ये सारी चीज़ें, ये डाटा पढ़ लोगे ना, तो एग्ज़ाम में आपके ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली मिल जाती है एज इट इज ही।
देखो ये जैसे टेस्ट है, सॉरी सीमेंट टाइप है, उनके इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है, तो अच्छे से मतलब बुक को काफ़ी बढ़िया काम किया है इस पे भी। और स्टार्टिंग में बीएमसी में आप देखोगे तो यहाँ पे सारे आईएएस कोड भी दिए गए हैं इम्पोर्टेंट। इस तरह से, और देखो सारी चीज़ें मैं अगेन आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन यह है कि आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, और मैं काफ़ी सारी आपको पीडीएफ सैंपल में दूंगा ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये बुक आपको अराउंड, ये ऑफलाइन पर बुक्स अगर आप शॉप से लोगे तो 525 रुपये के आसपास मिलेगी आपको, और ऑनलाइन अगर आप इसको मंगवाते हो सिविल की गोली से तो डायरेक्टली ये आपको 600 रुपये की पड़ेगी घर बैठे, और दुकान से लाओगे तो 125 के आसपास। वो देखो डाटा बहुत अच्छा दिया, बाकी हैंडबुक से ज़्यादा ही दिया है अगर आप कंपेरिजन करोगे तो डाटा में कोई यहाँ पे कमी नहीं है। देखो मेन चीज़ वही है, क्योंकि आपको पता है डिप्लोमा वाली सब्जेक्ट जो एग्जाम से ज़्यादातर आजकल डाटाबेस चीज़ें आती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ऑटो कैड वगैरह भी यहाँ पे डाला गया है, और ये टॉस कई कई जगह इन्होंने मैंने देखा है कि इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, कई कई जगह हिंदी कम हो रखी है, पर ये ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जैसे जो ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ें, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है जो इंग्लिश में काम में लिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो ये एकदम में ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में, ऐसे कई कई जगह मिक्स थोड़ा सा, पर ये है कि पढ़ने में कंफर्टेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो वो तो आराम से पढ़ेगा, उसको तो कोई समस्या नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कई कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है, उसको वो एग्ज़ाम वो सिविल बूस्टर ही उसके लिए सही है रहेगी। अगर वो कॉम्प कर सकता है तो भाई सिविल बूस्टर से तो बहुत ज़्यादा डाटा है इसमें, इतनी बड़ी है आप देख सकते हो बुक का साइज ही, अगर इसके कंपेरिजन में हम इसको देखें तो ये तो आधी ही है इसका। और इसमें ये बुक आपको इसमें पेजेस है टोटल कितने, 63 पेजेस हैं, और ये आपको अभी मिलती है मार्केट में जो बेसिक अमेजोन पे इसकी प्राइस है 380 रुपये। और इसमें आपको जो बेसिकली 16 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, और इसमें 16 सब्जेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से हैं, तो ऐसे नहीं बुक ये भी बहुत अच्छी है, बस इन्होंने क्या किया है कि सब्जेक्ट कम डाली, एक तो पूरा सिलेबो नहीं है इनके पास डाटा, मतलब पूरी चीज़ें नहीं डाली सब्जेक्ट, बाकी ऐसा नहीं है, ये भी बुक बहुत अच्छी है रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, और एरर भी नहीं है बिल्कुल इसमें, बहुत अच्छी बुक है बेसिक ऑफ सिविल। और एक आती है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की तरफ से, ये अब इस बुक की प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो एक तो ये इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन, ये आपको ऑफलाइन 350 में और ऑनलाइन 400 के आसपास में मिल जाएगी, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी, लेकिन इसका जो कवर पेज अगर आप देखोगे तो एकदम रद्दी वाला पेजेस है ना, वो क्वालिटी है, ये इजिली आप कुछ दिन यूज करोगे ना तो भी ये फट जाएगा इजिली से, पेजेस की क्वालिटी भी नहीं है बिल्कुल ही, अगर क्योंकि हैंडबुक है तो आप डेली पढ़ोगे डेफिनेटली। अब इसमें कवर पेज भी बहुत मोटा है और पेजेस की क्वालिटी भी बहुत शानदार दी है इन्होंने, तो क्योंकि डेली यूज की चीज़ है, सेम इधर राशिद खान सर वाली में भी मैं बात करूँ तो पेजेस की क्वालिटी भी अच्छी है और कवर पेज भी अच्छा है, लेकिन ये जो युद्ध वाली है इन्होंने डाटा तो अच्छा दिया, लेकिन ये एक तो बुक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरा दी इन्होंने प्राइस के चक्कर में। इसमें आपको 20 सब्जेक्ट मिलते हैं, सबके वीडियो में अलग अलग डाल रखा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, तो डाटा तो इन लोगों ने भी अच्छा दिया है, ऐसे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ये देखो आप सॉइल का इनका देख सकते हो, और ये एकदम हिंदी में है, आप अगर देखो तो यहाँ पे जिनको एकदम प्योर हिंदी चाहिए ना ऑलमोस्ट, मतलब इसमें आपको सबसे ज़्यादा हिंदी में यही मिलेगी, इवन राशिद खान सर वाली भी आप देखोगे यहाँ पे तो देखो इस पेज को, तो ये ऑलमोस्ट पूरा पेज इंग्लिश में है, आधा हिंदी में, हिंदी में आपको कितना सा दिख रहा है बीच का पोर्शन, बाकी देखो पूरा पेज इंग्लिश में है नॉर्मली, आप देखो तो इस कोई भी पेज को ओपन करके देख लो रैंडमली, तो सेम फॉर्मेट में ही ये सिविल की गोली वाली जो है एग्जाम बूस्टर, ये भी इसी फॉर्मेट में है कि आधी हिंदी आधी इंग्लिश मिक्स, और जबकि ये जो बुक है ना इसमें कुछ इसमें एकदम हिंदी ज़्यादा है अगर आप देखो तो ये भी अपनी जगह सही है, बस युद्ध वाले में प्रॉब्लम यही है कि एक तो ये लोग कभी भी इसमें डाटा अपडेट नहीं करते प्रॉपर, मतलब एरर वगैरह जो आ गए तो उनको आगे सॉर्ट आउट करना बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक बार आ गए यही चलेगा अब इनका वर्जन हमेशा के लिए, नहीं तो इसमें भी डाटा बहुत अच्छा है।
इन शॉर्ट बात बताऊं तो तीनों बुक अपनी जगह अच्छी है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि तीनों में से आपको कौन सी लेनी है। और सभी के मैं आपको चीज़ें बता चुका हूं कि यहाँ पे कौन सी में बुक में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे देखो, एग्जाम बूस्टर अगर आप लेते हो तो आपको इन दोनों बुकों का, यूथ कंपटीशन और बेसिक ऑफ सिविल का कम्बाइंड फॉर्म तो इसमें मिल ही जाएगा, मतलब इनका सारा डाटा प्लस। अब यहाँ पे साथ साथ ही आपको दो पॉकेट डिक्शनरी मिल रही है। अब इसमें अगर आप देखोगे अभी जो है तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट इसमें दे रखी है, यहाँ से स्टार्टिंग से इस तरह से है ये। तो ये आप जैसे क्या होता है ना, अब हैंडबुक को आप पढ़ोगे तो एक दिन में पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, आपको जल्दी से रिवीजन करना है, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स, देन आपके ये पॉकेट डिक्शनरी वगैरह ये चीज़ें काम की है यहाँ पे। तो ज़्यादा मैं इसमें आपको दिखा नहीं सकता, इसके सैंपल में ही अपलोड कर दूंगा, ये आप देख लो थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आपको 19 सब्जेक्ट है टोटल, 6 उसमें हैं अभी, ये बाकी इसमें है। और देखते हैं कि इसके साथ साथ आपको चार्ट मिलते हैं, चार्ट में कुछ इस तरह से डाटा है, फॉन्ट साइज भी बड़ा अगर आप इंग्लिश वाले चार्ट से कंपैरिजन करो। तो चार्ट अच्छा है, बॉल चार्ट एक तरह से आपको जो काफी सारी चीजें डेली बेसिस पर रिवीजन करने के लिए। इसमें भी पहले जब अब अपन करते काफ़ी सारी चीज़ें अपन लिख लेते हैं, वो बोर्ड मतलब चिपका लेते हैं दीवार पे, जो अपन को याद करनी हो, उसी तरह से आप इसको भी अपनी वॉल पे चिपका सकते हो और वहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप रीड आउट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजर लुक दिखा रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा थोड़ा समझ में आ सके कि इसमें डाटा किस तरह से दिखाया है, दिया गया है। तो लैंग्वेज वही अगेन हिंदी इंग्लिश मिक्स है, कहीं कहीं इंग्लिश ज़्यादा कहीं हिंदी, इस तरह से ही चल रहा है इसमें। और ये आपका एक और चार्ट है, दो चार्ट मिलते हैं इसमें टोटल। देखो कंटेंट वाइज एग्जाम बूस्टर बहुत अच्छी है, अगर आप इस प्राइस के हिसाब से देखना चाहो, अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली ये बुक आपको इन बाकी बुकों से बेहतर मिलेगी यहाँ पे। तो आप एक बार इसके सैंपल देखिए, और दुकान पे आप जाओ तो आप तीनों बुकों को अच्छे से देखिएगा एक बार, और आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए कौन सी बेहतर चॉइस है। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी हैंड बुक है, मैं उनको कहूँगा कि वो तो ना ले, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है इनमें से कोई भी तो आप उससे काम चला सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आपको लेना कंपलसरी है बिल्कुल। तो आप के पास अगर ऑलरेडी है तो आप वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी मर्जी, आपको लेना हो तो, पर अगर आपके पास नहीं है तब तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन तीनों में से एक हैंडबुक जरूर ले सकते हो। तीनों ही अपनी जगह अच्छी है, ऐसे खराब नहीं है, तीनों ही में भी कुछ अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने पॉइंट हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ वीडियो में आपके, क्या किसी भी बुक को लेने से पहले अगर आप अच्छे से चेक कर लोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और एक सलेक्शन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक सही बुक का यहाँ पे चयन करें। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कमेंट क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, साथ साथ आप टेलीग्राम पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी यहाँ भी कमेंट आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।